Hello students, good morning to you. Today I have taken chapter 5 of Advanced Translation and Composition. Under this chapter, we have to read about the present indefinite tense. प्रिय बच्चों, आज मैं आपके लिए आपके ट्रांसलेशन बुक एडवांस ट्रांसलेशन एंड कंपोजिशन का चैप्टर 5 लेकर आया हूँ. आज हम लोगों को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में पढ़ना है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में जानकारी प्राप्त करनी है. तो सबसे पहले हम इसकी पहचान देख लें. जिस हिंदी वाक्य के अंत में ता है, ती है, ती है आदि लगा रहता है, उस वाक्य को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य समझते हैं. तो यह पहचान हो गया. सबसे पहले किसी चीज़ की पहचान होनी चाहिए, उसके बाद ही हम आगे कुछ कर सकते हैं, कुछ काम कर सकते हैं. तो पहचान के बाद आता है नियम. तो सेंटेंस आप जान रहे हो कि सेंटेंस कई तरह के होता है. अफर्मेटिव होता है, निगेटिव होता है, इंट्रोगेटिव होता है, इंट्रोगेटिव निगेटिव होता है. तो सबसे पहले अफर्मेटिव के बारे में हम देख लेते हैं. सकारात्मक कथन के बारे में देख लेते हैं किसका नियम क्या है. तो अफर्मेटिव सेंटेंस का रूल होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 या वर्ब 5 प्लस ऑब्जेक्ट. मतलब वर्ब 1 इस्तेमाल होगा या वर्ब 5 इस्तेमाल होगा, ये सब्जेक्ट के अनुसार होता है. इसके बारे में हम आगे देखेंगे कि किसके साथ वर्ब 1 का इस्तेमाल करेंगे, किसके साथ वर्ब 5 का इस्तेमाल करेंगे. अब देखते हैं, यदि वाक्य का कर्ता आई हो, वी हो, यू हो, दे हो या थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर का हो, तो उस कर्ता के जो क्रिया होंगे वह कौन सा ग्रुप में होगा, तो उसके साथ भी वन का प्रयोग हम करेंगे. वर्ब का पहला रूप हम इस्तेमाल करेंगे कब, जब सब्जेक्ट कर्ता आई वी यू दे अथर पर्सन प्लूरल नंबर का होगा तब. यदि सब्जेक्ट ही होगा, सी होगा, ईट होगा या कोई सिंगुलर नेम होगा, तो इसके साथ हम वर्ब के पांचवें रूप का इस्तेमाल करेंगे. मतलब वर्ब के अंत में एस या एस जोड़ करके हम भी फाइव का निर्माण करेंगे, वर्ब के पांचवें रूप बनाएंगे. ओके, अब देखता हूँ निगेटिव स्टेटमेंट में. हमने ऊपर में अफर्मेटिव स्टेटमेंट के बारे में देखा, सकारात्मक कथन के बारे में देखा, अब नकारात्मक कथन के बारे में देख लेते हैं कि इसका क्या रूल होता है. तो निगेटिव सेंटेंस होता है, निगेटिव स्टेटमेंट व्यक्त करने वाला जो वाक्य होता है, तो उसका निर्माण कैसे होता है, उसका बनावट क्या होता है. तो सबसे पहले सब्जेक्ट होता है, इसके बाद डू या डज आता है, फिर नॉट का प्रयोग होता है और नॉट के बाद वर्ब 1, वर्ब का प्रथम रूप प्लस ऑब्जेक्ट होता है. यहाँ भी देख लेते हैं कि डू किसके साथ लगेगा, डज किसके साथ लगेगा. तो यदि सब्जेक्ट आई वी यू दे हो, तो इनके साथ हम डू प्लस नॉट का प्रयोग करेंगे, मतलब डू नॉट का प्रयोग करेंगे. और यदि ही सब्जेक्ट ही सी इट नेम हो, तो इनके साथ हम डज नॉट का प्रयोग करेंगे. तो इस प्रकार से स्पष्ट हो गया है किसके साथ हम डू नॉट का प्रयोग करेंगे या किसके साथ डज नॉट का प्रयोग करेंगे. अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम देख लेते हैं, प्रश्नात्मक वाक्य में देख लेते हैं कि इसमें कैसे क्या करना है. तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो प्रश्न पूछने का काम करता है, इसको इंट्रोगेटिव सेंटेंस और क्वेश्चन कह सकते हैं. तो इस तरह के जो वाक्य होते हैं, इनमें सब्जेक्ट से पहले डू या डज का प्रयोग किया जाता है. डू डज सबसे पहले आते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट होते हैं, फिर वर्ब का प्रयोग किया जाता है. मतलब सबसे पहले इस वाक्य को हम डू डज से शुरू करते हैं. डू डज से शुरू करने के बाद हम वर्ड्स को पुट अप करते हैं. नेगेटिव क्वेश्चंस में सब्जेक्ट के बाद नॉट का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि नॉट ही होता है जो हमें नकारात्मकता को दिखाता है, नेगेटिविटी को दिखाता है. प्रोमिनल क्वेश्चंस अर्थात क्वेश्चन वर्ड, जैसे बहुत सारे ऐसे भी वाक्य होते हैं जो स्पेशल प्रश्नवाचक शब्द से ही शुरू होते हैं, जैसे व्हाई, वेयर, हु, हाउ, व्हेन, मतलब बहुत सारे प्रश्न वाले वर्ड हैं, क्वेश्चन वर्ड्स हैं जिनसे आप
वाक्य को शुरू करते हो तो इस वाक्य को भी आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस ही कहते हो, चूंकि यह इंट्रोगेटिव वर्ड से शुरू होता है वाक्य। तो इंट्रोगेटिव वर्ड से शुरू होने वाले जो सेंटेंस होते हैं, तो होने वाले जो भी सेंटेंस हैं इनमें वर्ड का प्रयोग डैश से पहले भी किया जा सकता है। मतलब जो क्वेश्चन वर्ड है उस क्वेश्चन वर्ड का इस्तेमाल डू डैश से पहले हम इनका प्रयोग कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि डू डैश, ऊपर में हमने देखा कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस डू डैश से शुरू हुआ, तो दो तरह के इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो जाते हैं। एक तरह से हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाला जो समांतर डू डैश सबसे पहले आते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट आते हैं, और क्वेश्चन वर्ड से शुरू होने वाले जिसमें पहले क्वेश्चन वर्ड आते हैं, उसके बाद डू डैश आते हैं, फिर सब्जेक्ट आते हैं, वर्ब आते हैं, ऑब्जेक्ट आते हैं। लेकिन हु, व्हिच आदि कोई इंट्रोगेटिव वर्ड स्वयं ही सब्जेक्ट का काम करे तो उनके बाद अफर्मेटिव स्टेटमेंट जैसे वर्ब का प्रयोग किया जाता है। अब हम कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे, एग्जाम्पल के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। जैसे गाय क्या खाती है, व्हाट डू काउ, व्हाट डू काउज ईट, गाय क्या खाती है। तो गाय घास खाती है, घास पर निर्वाह करती है, गाय घास पर निर्वाह करती है। द काउ लिव्स ऑन ग्रास, उन गायों को कौन दूहता है, हु मिल्क्स दोज काउज, उन गायों को कौन दूहता है। एक गोप उन्हें दूहता, एक काउ मैन मिल्क्स देम, क्या सूर्य पृथ्वी की परिक्रमा करता है। डज द सन रिवॉल्व अराउंड द अर्थ, नहीं सूर्य पृथ्वी के चारों ओर नहीं घूमता है, मतलब सूर्य पृथ्वी की परिक्रमा नहीं करता। नो द सन डज नॉट रिवॉल्व अराउंड द सन, सूर्य कब उदय होता है, कब उगते हैं। When does the sun rise? तो हमने यहाँ पर देखा कि affirmative sentence को भी हमने देखा, negative sentence को भी देखा, interrogative sentence को भी देखा, और question word से शुरू होने वाले sentence को भी देखा। जैसे एक cow man milk दे, अब यहाँ पर एक goat उन्हें दूहता है, ये affirmative sentence। Does the sun revolve around the earth? यहाँ पर डज से शुरू हुआ, मतलब हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाला वाक्य है, ये भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। नेगेटिव सेंटेंस में आप आ गए तो नो द सन डज नॉट रिवॉल्व अराउंड द अर्थ, यहाँ पर हम नॉट का प्रयोग कर रहे हैं, मतलब नेगेटिविटी को दिखा रहे हैं। व्हेन डज द सन राइज, सूर्य कब उगते हैं, कब उदय होते हैं, यहाँ पर आप देखते हो क्वेश्चन वर्ड से आपने शुरू किया, क्वेश्चन सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लाया, उसके बाद डू डज का प्रयोग किया, फिर सब्जेक्ट है, फिर वर्ब है। तो इस प्रकार से हमने आज प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस के बारे में सीखा समझा। तो आप इस वीडियो को गौर से देखें, समझने का प्रयास करें, और आपके एक बुक में जो एक्सरसाइज दिया हुआ है आप इस रूल्स के आधार पर उस एक्सरसाइज को आसानी से बना सकते हैं। कोशिश करें उस एक्सरसाइज को बनाने का। फिर मैं अगले वीडियो में आपके अगले चैप्टर को लेकर के आऊँगा। तब तक के लिए आपको धन्यवाद।